अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे जनरल मैथमेटिक्स टॉपिक नंबर 2, फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक्स। इसमें सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे है डेफिनेशन है मैपिंग की। अ मैपिंग बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी इज सिंपली अ रोल फॉर रिलेटिंग एलिमेंट्स ऑफ वन सेट टू द अदर, यानी कि ये दो सेट्स का रिलेशनशिप। इसमें हम सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ मैप करवाते हैं। और इसके बाद हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। आ मैपिंग इज़ आल्सो कॉल्ड अ रिलेशन, और इसको हम रिलेशन भी कहते हैं। इसकी टाइप्स को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास है वन वन रिलेशन। वन वन रिलेशन क्या होता है? वन वन रिलेशन और मैपिंग वेयर ईच मेंबर ऑफ प्री इमेज इज मैप टू एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ द इमेज। इसमें हमारे पास ये होता है कि एक इमेज का बस एक ही जो होता है मेंबर जो है, यानी कि एक सेट का एक ही एलिमेंट दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट के साथ मैप करता है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है। अब ये देखें, हमारे ये मैपिंग आपको शो करवाई हुई है कि वन ये देखें 5 के साथ मैप किया हुआ है, 2 को 6 के साथ किया हुआ है, 3 को 7 के साथ किया हुआ है। इस तरह से हर सेट का एक ही एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ मैप करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशंस हैं मैनी मैनी रिलेशंस, यानी कि इसकी रिलेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो है मैनी मैनी रिलेशन है। ये मैनी मैनी रिलेशन का मतलब ये है, मैनी मैनी रिलेशन आर द मैपिंग वेयर मैनी मेंबर ऑफ द इमेज आर इमेजेस ऑफ मोर देन वन मेंबर ऑफ द प्री इमेज एंड मेंबर ऑफ प्री इमेज आर मैप टू मोर देन वन इमेज। अब यानी कि ये देखें, एक सेट के का एक एलिमेंट जो है दूसरे सेट के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मैप कर सकता है, और दूसरे सेट के डिफरेंट दूसरे सेट का एक एलिमेंट फर्स्ट सेट के डिफरेंट एलिमेंट के साथ मैप कर सकता है। ये है एक ने एक एलिमेंट ने एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ मैप करना है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है मैनी वन रिलेशन। मैनी वन रिलेशन आर द मैपिंग वेयर टू और मोर मेंबर्स ऑफ प्री इमेज आर मैप टू एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ द इमेज। अब ये देखें, यानी कि प्री इमेज के मोर टू और मोर एलिमेंट्स जो हैं इमेज के एक ही एलिमेंट के साथ मैप करेंगे। मैनी मोर का मतलब है यानी कि फर्स्ट सेट के एक से ज़्यादा एलिमेंट जो हैं सेकंड सेट के एक ही एलिमेंट के साथ मैप करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे 3 एलिमेंट फर्स्ट सेट के हैं और सेकंड सेट के एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहे हैं। इस तरह से 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, यानी कि मैनी एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के होंगे और सेकंड सेट के एक ही एलिमेंट के साथ मैप करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है वन मैनी रिलेशन। अब वो होता है मैनी वन रिलेशन। अब जो है वन मैनी रिलेशन, वन मैनी रिलेशन और द मैपिंग वेयर वन मेंबर ऑफ द प्री इमेज मैप टू द टू और मोर मेंबर ऑफ द इमेज। अब यहाँ पे सेट ए का जो है हमारे पास एक एलिमेंट होगा और सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मैप करेगा। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है फंक्शन की। अब फंक्शन की डेफिनेशन है मैनी वन एंड वन वन, मैनी वन एंड वन वन रिलेशन आर कॉल्ड अ फंक्शन। यानी कि अगर हम मैनी वन और वन वन रिलेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन फॉर्म में आता है। और उसके बाद नेक्स्ट है द सेट कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ प्री इमेज और द इनपुट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड द डोमेन। अब हमारे पास डोमेन क्या होती है फंक्शन की और रेंज क्या होती है। अब ये द सेट कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ द प्री इमेज, अब ये सेट में एलिमेंट्स हैं यानी कि मेंबर हैं प्री इमेज के, और इनपुट ऑफ फंक्शन यानी कि फंक्शन की इनपुट जो होती है वो हमारे पास क्या है डोमेन है। फॉर अ गिवन डोमेन द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम, अब उस डोमेन के लिए जो हमारे पास आउटकम आएंगी और इमेजेस ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इट्स रेंज, तो वो उसके हमारी क्या है रेंज है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट टू डिफाइन अ फंक्शन वी नीड टू थिंग्स। अब हमारे पास एक फंक्शन को डिफाइन के लिए 2 चीज़ों का होना लाजमी है। उसमें से क्या हुआ, फर्स्ट क्या है, 1 द फार्मूला फॉर द फंक्शन, एक फंक्शन के लिए फार्मूला, एंड 2 द डोमेन। ये यानी कि 2 चीज़ें कौन सी, एक फार्मूला फंक्शन का और सेकेंड जो है हमारे पास डोमेन। अब हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें एफ एक्स गिवन है 2x+1 और डोमेन एक्स इज इक्वल टू आर। अब ये देखें, अगर हमारे पास ये फंक्शन और डोमेन गिवन होंगे तो हम इसकी रेंज फाइंड कर लेंगे। रेंज फाइंड करने के लिए एफ एक्स इक्वल टू रियल नंबर। लास्ट पे हम इन सब एग्जांपल्स को सॉल्व करके चेक करेंगे कि इस तरह से अगर फंक्शन कोई भी गिवन हो और उसकी डोमेन गिवन हो तो हम उसकी रेंज कैसे फाइंड करते हैं। और उसके बाद हमारे पास अभी तो हमने जस्ट डेफिनेशन रीड करनी है, रीड करने के बाद हम
रजिस्टर पे जाएंगे और वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है। अब हमारे पास डेफिनेशन है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, इनमें क्या डिफरेंशिएट है। आ फंक्शन इज़ कॉल्ड एन इवन फंक्शन इफ इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस, एंड इट इज़ कॉल्ड एन ऑड फंक्शन इफ इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट से सिमेट्रिक है तो हमारे पास ऑड फंक्शन होगा, अगर वो है वर्टिकल एक्सिस के लिहाज से तो हमारे पास इवन फंक्शन है। नेक्स्ट, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने अच्छे से इनको याद करना है कि कब फंक्शन जो है इवन होगा और कब फंक्शन ऑड होगा। इफ़ एफ इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि अगर हम एफ एक्स फंक्शन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें और हमारे पास आंसर आए पॉजिटिव में एफ एक्स के इक्वल आए, देन एफ इज़ एन इवन फंक्शन। अगर हम फंक्शन में एक्स की वैल्यू माइनस एक्स पुट करें तो हमारे पास माइनस एफ एक्स आंसर में आए तो हमारे पास जो होगा फंक्शन इज़ एन ऑड फंक्शन होगा। तो अब हम इनको एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं अगर कि कौन सी इवन है कौन सी ऑड है। अगर फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स का स्क्वायर इज़ एन इवन और ये किस तरह से इवन है, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज़ एन ओड फंक्शन और ये इसका आंसर ओड किस तरह से आता है। चलिए हम इन दोनों को वन बाय वन पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन स्टडी करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है, अगर तो माइनस एक्स पुट करने से एफ एक्स के ही इक्वल आ जाए तो हमारा फंक्शन इवन होगा, अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल आएगा तो हमारा फंक्शन ओड होगा। अब हमने एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, माइनस एक्स का स्क्वायर है। अब जब हमने माइनस को टू टाइम्स यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये इक्वल है एफ एक्स के इक्वल है, तो हमारा ये फंक्शन क्या है, हमारा ये इवन फंक्शन है। इस तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के इक्वल होगा, अगर ये हमारे पास एक्स क्यूब के इक्वल है तो अब हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करके चेक करेंगे, अगर ये हमारा आंसर जो है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स के आ जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, तो हमारा ये जो है फंक्शन ओड होगा। अब यहाँ पे हमने माइनस के थ्री पुट किया और एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे और जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स पुट कर देंगे और इसका क्यूब लेंगे। अब ये देखिए जब हमारे पास उसकी पावर ओड है तो ये माइनस जो है माइनस ही होता है, अगर पावर इवन होगी माइनस प्लस हो जाता है। अब एक्स की पावर थ्री है तो हमारे पास माइनस के एक्स की पावर थ्री आ जाएंगे जो कि माइनस एफ एक्स के इक्वल है, तो हमारा ये फंक्शन क्या है, ये ओड फंक्शन है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट है हमारे पास द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी एंड एफ एंड जी। अगर दो फंक्शन हैं इनको सम कैसे फाइंड करना है, डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है। अब ये देखिए हमारे पास एफ और जी दो फंक्शन हैं एफ। अब ये देखिए हमारे पास टू फंक्शंस हैं, उनको हमने उनका सम डिफरेंस और प्रोडक्ट क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं ये हम देखेंगे। अब ये देखें एफ प्लस जी इंटू एक्स, तो ये किसके इक्वल होता है, एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के इक्वल होगा। और उसके बाद अगर इनके बिटवीन डिफरेंस है एफ ऑफ जी एफ माइनस जी इंटू एक्स, अब हमारे पास इन दोनों फंक्शन का जो डिफरेंस होगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अगर एफ एंड जी जो है प्रोडक्ट में है इंटू एक्स है तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट इक्वल आएगा एफ ऑफ एक्स और इंटू जी ऑफ एक्स। और इसके बाद एफ अगर डिवीजन में है यानी कि कोशेंट है तो हम इसके दो फंक्शन के कोशेंट कैसे फाइंड करते हैं, एफ ओवर जी इंटू एक्स है तो एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, जबकि जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और उसके बाद है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन, गिवन फंक्शन एफ एंड जी। अगर हमारे पास दो फंक्शन गिवन है देन द फंक्शन एफ ऑफ जी इज़ द कंपोजिट फंक्शन वेयर जी इज़ परफॉर्म्ड फर्स्ट एंड देन एफ इज़ परफॉर्म्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ जी। अब हम इनको कैसे हमने कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना है और इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये एग्जाम्पल दी हुई है, उन्होंने कहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू हो और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के हो, तो इस तरह से इसको किस तरह परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट परफॉर्म किसको करना है, हमने जी एक्स को करना है पहले, फिर उसके बाद एक्स को। अब ये देखें यहाँ पे उन्होंने एक्स लिया और उसका फिर स्क्वायर ले लिया है, तो हमारे पास ये जो है जी एक्स की वैल्यू है, जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्री के साथ थ्री एक्स स्क्वायर आ जाता है और ऐड कर देंगे टू के साथ, ये हमारे पास एफ की वैल्यू है। अब इसको अच्छे से हम समझेंगे क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके। पहले हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं फिर सारा काम जो सॉल्व करने वाला है लास्ट पे करेंगे।
अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है। अब हमने नेक्स्ट इस एग्जांपल को सॉल्व करना है और उसके बाद क्वाड्रेटिक्स की इसमें आ जाता है, फैक्टराइजेशन आ जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आ जाएगा और ये ग्राफ किस तरह से ड्रा करने हैं और फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, डिस्क्रिमिनेंट वाला ना, ये सब अब वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं इनको, क्वेश्चंस को डिफरेंट एग्जांपल्स लेके। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और जी एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, देन फाइंड एफ ऑफ जी इंटू एक्स। तो हमने कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी का फाइंड करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, एफ ऑफ जी इंटू एक्स इक्वल होगा, तो सबसे पहले हमने एफ को सेम वैसे ही राइट कर देना है और जी एक्स की वैल्यू जो हमारे पास है 3 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, तो हम वो राइट करेंगे। अब से पहले हमने f को वैसे राइट किया, अब हमने g की वैल्यू राइट की है 3 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब उसके बाद अब हमने राइट करनी है f की वैल्यू। f की वैल्यू हमारे पास है एफ एक्स की, यानी कि फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, 4 राइट करेंगे। x की जगह पे हमने ये जो पुट की है, अब ये देखें क्योंकि ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया है ना, एफ एक्स की वैल्यू जो है 3 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है। अब हमने f x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे जहाँ पे x है। अब ये यहाँ पे x का स्क्वायर था तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया है और होल का स्क्वायर रूट। अब ये जो है स्क्वायर से जो 3 माइनस एक्स है, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाता है 4 स्क्वायर रूट 4 माइनस 3 माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखें 4, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 3 प्लस एक्स, 4 माइनस 3 इक्वल होता है 1 के, अब 1 प्लस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 देन वी ड्रा इट्स ग्राफ। अगर ये हमारे पास की ग्राफ किस तरह, कोई भी इक्वेशन गिवन होगी तो आप लोगों ने इसका ग्राफ ड्रा कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे ये एक इक्वेशन ली है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका ग्राफ किस तरह से ड्रा करना है तो हम इसको ड्रा करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू सॉल्व द इक्वेशन वी राइट, तो हम किसी के इक्वल इसको राइट कर लेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x हमने इसको राइट कर लिया है। अब इसको राइट करने के बाद हमने इसके इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर x इंटरसेप्ट वी पुट कर y इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है x इंटरसेप्ट के लिए, तो जब y को इक्वल 0 राइट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक 0 है और एक हमारे पास 2 है। और ये किस तरह से आते हैं, अब हम इनको भी सॉल्व करते हैं। हम ये देखें हमारे पास ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 राइट करेंगे, तो अब यहाँ से हमने x कॉमन ले लेना है, तो x जब कॉमन लेते हैं x माइनस 2 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 0 और एक वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 2। अब हमने इसका दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ग्राफ ड्रा करना है इस इक्वेशन का, जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, और इसको ग्राफ किस तरह से ड्रा करते हैं। अब हमने ये ड्रा कर लिया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लिए हैं और उसके बाद इसको लेबल कर लिया है 1 से 4 तक, प्लस में और माइनस में एक्स एक्सिस को, और वाई को लेबल करें या ना, क्योंकि हमने एक्स वाला ड्रा करना है। अब हमारे पास एक्स एक 0 था तो हमने एक पॉइंट हमारा 0 पे ओरिजिन पे बना है और दूसरा 2 था, तो ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है। इसकी जो फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये सबसे पहले हमारे पास कोई भी इक्वेशन हम ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 6, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस 6 इक्वल टू। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने के लिए अब ये देखें फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 6x का स्क्वायर। सॉरी, इस इक्वेशन में 6 प्लस में था, माइनस में था, तो दूसरी साइड पे जाके ये प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस में है, तो हमने माइनस के 3x माइनस के 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस के 5x आ जाते हैं। अब हमने 5x की जगह पे राइट किया है 3 माइनस के 3x माइनस के 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से कॉमन ले लेना है एक्स, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 3 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से हमने माइनस के 2 कॉमन ले लेने हैं, तो हमारे पास आ जाता है एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें हमारे पास x माइनस 3
इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो आ जाएंगे। तो अब हम इनको वन बाई वन इक्वल टू ज़ीरो राइट करके हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाती हैं, x इज इक्वल टू टू और x इज इक्वल टू थ्री। इस तरह से कम्प्लीटिंग स्क्वेयर में वाला जो था वो नेक्स्ट वीडियो बनी हुई है, उसमें से आपने अच्छे से देख लेना है, अच्छे से फुल क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।